प्यारे बच्चों, आज हम काइट मेकिंग के बहुत अच्छे इस वीडियोज़ और काइट मेकिंग के आइडियाज़ लेने वाले हैं। आप सबको पता है काइट फेस्टिवल में इतनी अच्छा इतनी मज़ा आती है काइट उड़ाने की, तो आज हम स्मॉल काइट्स मिनी काइट्स कैसे बनाते हैं वो हम सब आइडियाज़ लेने वाले काइट की डिज़ाइन। तो ऐसे हमने पेपर जो लिए हैं, एक कलरिंग पेपर है, इसको बोलते हैं मार्बल पेपर या फिर कलरिंग पेपर। ये सब के जो पेपर है वो 15x15 वो सेंटीमीटर के है, स्क्वायर पेपर है, इससे हम बनाने वाले काइट। तो आओ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको काइट्स कैसे बनाते हैं उनके आइडिया देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट काइट्स के आइडिया लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ऑरेंज पेपर लिया। अब ऑरेंज पेपर को हम डिवाइड करके काइट बनाने वाले हैं। कैसे बनते हैं काइट्स को आपको ध्यान से देखना है। तो ऑरेंज पेपर के अंदर हम फोर पार्ट्स में काइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक रेड पेपर लिया। रेड पेपर को यहाँ से एग्जैक्ट, बच्चों याद रखना है, कॉर्नर से कॉर्नर परफेक्ट होना चाहिए सेट। ऐसे सेट होने के बाद आपको यहाँ से भी यहाँ वापस इसको ऐसे करना है सेट, और ये परफेक्ट हो जाने चाहिए सेट। और हो जाए सेट, फिर इसको आपको धीरे धीरे ऐसे ओपन कर देना है। फिर इसको आप कैंची से भी काट सकते हो, पर कैंची से काटते वक्त याद रखना है थोड़ा लग ना जाए। और जो कैंची है वो आपकी कैंची एकदम स्ट्रेट ऐसी चलनी चाहिए, बिल्कुल क्रॉस में नहीं कटना चाहिए। और एक मैं आपको ट्रिक, इससे भी इजी ट्रिक देने वाला हूँ, उसको आपको ऐसे करके पेपर पर रख के इसको धीरे से खींचोगे तो भी फट जाएगा। एक ये ट्रिक है, और उससे भी एक और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ काटने की। बच्चों इजी इजी ट्रिक याद रखना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर आप कोई भी चीज़ इजीली आप काट सकते हैं। आपको कोई भी एक ऐसे कार्डबोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर इसको रख देना है, और जो लाइनिंग्स है आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ऐसे हाफ किया था, फोल्ड किया था, वो लाइनिंग आपको दिख रही है, तो वो लाइनिंग के ऊपर आपको स्केल रख देना है। और लेनी है पेन, उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे दबा के थोड़ा प्रेशर दोगे तो फिर वो पोजीशन वहाँ से ही अपने आप देख रहे हैं फट जाएगी इजीली। तो ये भी ट्रिक है, ऐसी 2-3 ट्रिक है, आप कैसे भी काट सकते हैं बच्चों। अगर बच्चों आपको कोई जो है पेपर उसको राउंड शेप में काटना है, कोई डिज़ाइन में काटना है, तो आप सबसे पहले डिज़ाइन को धीरे से ड्रॉ कर लो आप, फिर पेन को लेके इसके ऊपर खींचो। जो बच्चे को कैंची जो है वो चलाना नहीं आता है, सीज़र, तो उनके लिए इजी आइडिया है, आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ा दबा के, पेन दबा के ऐसे इसको कर देना है। फिर उसको जहाँ से आपने किया है वहाँ से बाजू से पकड़ पकड़ के आप इसको ऐसे दूसरे के सामने ऑपोजिट साइड पे खींचोगे तो आप देख रहे हैं कि वो पोजीशन वहाँ से ही आपको शेप फाट के कट के आपके सामने आ जाएगा। इजी और अच्छी मेथड है, ऐसी बहुत सारी मेथड आप सब आज वीडियो में देखने वाले हैं। अब बच्चों ये वाला जो है बॉक्स उसको यहाँ स्टिक करना है, ये वाले बॉक्स को यहाँ स्टिक करना है। ध्यान से देखो, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काइट्स के आइडिया ले रहे हैं। फर्स्ट काइट से इससे भी हार्ड हार्ड काइट्स आगे आने वाली है। तो फर्स्ट काइट्स में आपको कैसे करना है ये आप ध्यान से देख रहे हैं। अब लेना है फेविकॉल। अब बच्चों फेविकॉल यहाँ पे आपको खास करके बॉर्डर पे लगा देना है एकदम हल्के से। और जो बच्चे को ये काइट को उड़ाना है तो उस बच्चे को इस जो काइट के फेविकॉल यहाँ हर प्लेस पे लगाना कंपलसरी है। आप देखिए एग्जैक्ट कॉर्नर लेना है और उसको स्टिक कर देना है, वैसे इसको भी स्टिक करना है फेविकॉल लगा के। यहाँ फेविकॉल लग गया है, इसको अभी यहाँ एग्जैक्ट कॉर्नर जब जो स्टिक कर रहे तब आपको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा भी क्रॉस नहीं रहना चाहिए। देखो बच्चों, इसको भी हमने यहाँ पे स्टिक हो गया। अभी ये ट्रायंगल है उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। बच्चों फोल्ड करने के बाद इसको भी यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये बन रही काइट की टेल बन रही है, जो नीचे उसकी पूंछ होती है वो। अब इसको हमने ऐसे ऐसे किया और फिर आप देख रहे हैं फेविकॉल यहाँ लगा देना है। और फेविकॉल लगाने से पहले आपको एक बीच में स्केच पेन से लाइन करनी है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से कॉर्नर एग्जैक्ट मिडल में जो बच्चे काइट को उड़ाना चाहते हैं उसको लेनी है स्टिक। उनको ऐसी स्टिक लेके उसको चिपकाना होगा स्टिक को बीच में, जिनको उड़ानी है ऐसे। तो आप इसके बाद जब हमने इसमें फेविकॉल लगाया ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल को एग्जैक्ट मिडल में आपको करना है सेट, और उसको यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है। बच्चों ध्यान से देखिए, हम जो काइट बना रहे हैं फर्स्ट काइट है, सबसे ईजी है, और इसके बाद और भी हार्ड आती जाएगी। उसके बाद राउंडर लेना है बच्चों। राउंडर लेके यहाँ पे आपको रखना है और दोनों तरफ से इक्वल मेजरमेंट आपको हो जाना है सेट, और उसके बाद आपको राउंडर से ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर देना। आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी आप ऐसी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, ऐसी कोई डिज़ाइन आपको ऐड करनी है तो कर सकते हैं। स्केच पेन, कलरिंग स्केच पेन, ग्लिटर, ऐसी कोई भी चीज़ आप यूज़ करके ऐसी डिज़ाइन बनाओ। तो बच्चों ये फर्स्ट काइट है, ईजी है। इसके बाद ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ब्रिलियंट ब्रिलियंट 10 अलग अलग डिफरेंट जो काइट्स के आइडिया आप लेने वाले हैं। आप देख लीजिए, हमारा फर्स्ट काइट्स सिंपल काइट्स बनाए जो छोटे बच्चे उनके लिए, अब जो नेक्स्ट काइट उसे भी अच्छा बनाने वाले हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आइडिया है, उसमें हम और पिंक कलर्स ले रहे हैं और उसके साथ येलो। आपकी ये आइडिया एकदम डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। एवरी टाइम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते वक्त कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे परफेक्ट मिक्स होना चाहिए, और उसके बाद इसको मिडल से आपको काट देना है। ऐसे कट होने के बाद इसको बच्चों आप लोगों को
ऊपर के एक कोने में स्टिक कर देना है फेविकॉल से, जिससे स्टिक कर दीजिए। आप उसको ऐसी पोजीशन में भी रख सकते हैं और ऐसी पोजीशन में भी रख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे इसको रख सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे रखा तो उसकी जो टैल बनानी है उसके आइडिया दे रहा हूँ आपको। उसके लिए जो पेपर था उसका 4 पार्ट्स हमने लिया, 4 पार्ट्स को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद फेविकॉल से इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया। इसको फिर फेविकॉल यहाँ पे कोने में लगा के इसको यहाँ पे स्टिक कर देना है बच्चों आपको ऐसे। अब हमने वैसे जैसे आगे आइडिया दी थी वैसे स्केच पेन लेनी है। अगर आपको काइट को उड़ाना है तो ये स्टिक करना है आपको, और काइट को उड़ाना नहीं है तो बच्चों आपको ऐसे ब्लैक स्केच पेन से ऐसे आपको लाइनिंग कर देनी है। और याद रखना है कि जो यहाँ पे ऐसे स्टिक जो लगेगी, वो ओल्ड काइट है आपके पास फटा हुआ काइट, उसकी स्टिक आप स्टिक कर सकते हैं, या फिर कोई भी झाड़ू है उसकी पतली वाली स्टिक लेके उसको राउंड शेप आप दे सकते हैं। अब बच्चों राउंडर लेना है, फिर इसके अंदर भी आप थोड़ी पैटर्न्स डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देख लीजिए इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ऐसे एक एरियाज लेनी है अच्छी तरह से, आप ऐसे ट्रायंगल शेप जैसा इफेक्ट देके इसमें अगर आप चाहो तो क्रेयॉन्स कलर से भी अलग कोई पैटर्न से आप कलर कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा दूसरा काइट, अब इसके बाद का तीसरा काइट के आइडिया ले रहे हैं। अब तीसरे काइट्स के लिए मैंने एक पेपर लिया बच्चों, वो हाफ जो हमारे पास कट एक्स्ट्रा बचा था, हमने जो इसके आगे वाली काइट सामने बचाई थी जो बनाई थी उसके अंदर जो ऐसा एक कट्स बचा था उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। उसको आपको बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपको यहाँ से इतना क्रॉस ऐसे आपको कर देना है इतना क्रॉस, और फिर उसको आपको कटआउट्स लेना है, दोनों को साथ में फोल्ड किए हुए पेपर है, और ऐसे कटआउट्स लेने के बाद इसको आपको ओपन करते ही ये शेप यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है, तो इसको आप स्टिक कर दीजिए। फिर बच्चों एक और पेपर लेके इसको बीच में से फोल्ड कर देना है। याद रखना बच्चों जो भी टुकड़े बचते हैं वो टुकड़े बार बार यूज़ होना है, हमें जितने हो सके उतने पेपर कम यूज़ करने हैं। और ये मिडल से यहाँ से आपको ऐसे मेजरमेंट लेना है और उस मेजरमेंट को यहाँ पे ड्रॉ करना है लाइन, बॉर्डर लास्ट लाइन हमने ली हुई थी, और इसको ऐसे करके हम इसको कटआउट्स ले लेंगे यहाँ पे। आपको अंदर डिज़ाइन पैटर्न कुछ भी करनी है तो आप अंदर ऐसे यहाँ पे कटआउट्स राउंड कटआउट्स मार के भी पैटर्न्स ले सकते हैं, और इसको बच्चों यहाँ पे हम ऐसे स्टिक कर देंगे। तो आइए इसको स्टिक करिए, फिर बीच में लाइनिंग, फिर ये जो पेपर बचा था उसी को आपको यहाँ से कटआउट्स लेना है। कटआउट्स लेने के बाद इसको आपको यहाँ पे स्टिक कर देना है ऐसे, तो इसकी टेल बनेगी। आप बच्चों ध्यान से देखो, इसको हमने यहाँ पे स्टिक आउट किया है। स्टिक होने के बाद आप देख सकते हैं काइट की थोड़ी पोजीशन डिफरेंट हमने बनाई नीचे। अब इसके अंदर आपको बीच में और एक पेपर लेना है, हमने ब्राउन पेपर लिया उसको ऐसे किया, फिर इसको भी हमने ऐसे कटआउट किया, और फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे बीच में स्टिक कर देंगे। ये दूसरी हमने काइट बनाई तीसरी, और इसके बाद और एक काइट का आइडियाज लेते हैं बच्चों। जैसे जैसे आगे आइडिया लेंगे वो हार्ड और भी हार्ड अच्छी अच्छी काइट्स आती रहेगी, आप ध्यान से देखते रहिए। अब हमने पेपर लिया, उसके बाद ये लाइट ग्रीन लिया और उसको हमने यहाँ से फोल्ड किया। फोल्ड होने के बाद हमने इसको यहाँ से इतना कटआउट ले लिया है, तो आपको इसको कैंची ध्यान से यूज़ करनी है। उसको यूज़ करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा हाथ दूर रहे थोड़ा, और ऐसे करते करते आपको फिर इसको यहाँ मिडल में एग्जैक्ट बीच में आपको इसको स्टिक कर देना है। तो आप इसको स्टिक कर दीजिए बीच में। इसके बाद और कोई कलर्स लिया हमने, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही कलर आप यूज़ करो, अपने हिसाब से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। आप देखिए इससे हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने और एक पेपर लिया बच्चों, इसको भी हमने ऐसे बीच में से फोल्ड किया, और इसको और भी थोड़ा स्मॉल ज़्यादा कर देना है ऐसे। इसको कटआउट्स लेना है, और इसको ऐसे कटआउट्स लेते वक्त याद रखना है एकदम स्ट्रेट, और फिर उसको वापस से बीच में स्टिक कर देना है ऐसे, स्टिक कर दीजिए। और एक पेपर लेना है उसको, उससे भी आपको स्मॉल कर देना है बच्चों। देखो यहाँ से बीच में से परफेक्ट फोल्ड, फिर आप हो सके तो ऐसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, तो आपको ईजीली पता चलेगा कि मुझे कितना उसको स्मॉल कर देना है ऐसे, फिर उसको वहाँ से कटआउट लेना है। वो कटआउट्स को उसके बीच में यहाँ पर आपको स्टिक कर देना है, इसको भी स्टिक कर दीजिए आप। उसके बाद पिंक पेपर लिया है, और पिंक पेपर को आप कोई भी राउंड शेप या कोई भी और शेप में कटआउट कीजिए, और इसकी जो टेल बना के आपको यहाँ इसको स्टिक कर देनी है, इसको यहाँ पे स्टिक कर दीजिए। उनके बाद यहाँ पे मिडल में लाइनिंग अच्छी सी आप देख रहे हैं, ऐसी लाइनिंग ड्रॉ करनी है, और फिर एक राउंड लाइनिंग और ड्रॉ कीजिए। इसके बाद इसको भी यहाँ पे आप इसे स्टिक कर दीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे। देखिए बच्चों ये फोर्थ काइट हो गई, और आगे आगे और भी अच्छी काइट्स आने वाली है, आप देखते रहिए। अब बच्चों और जो काइट है उसमें आपको सबसे पहले इस पेपर को फोल्ड करना है, मैंने बार बार बताया कोई भी कलर्स आप ले सकते हैं, कलर इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब इसको यहाँ से आपको कोई भी फ्री हैंड आपको शेप में इसको कटआउट्स लेना है। आप देख रहे हैं हम फ्री हैंड के कटआउट्स ले रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो फ्री हैंड ड्रो कीजिए पहले पेंसिल से, फिर आपको इसको कटआउट्स लेते जाना है।
आप देख रहे हैं कि इसको ऐसे स्लोली स्लोली, अगर बीच में आ रहा है तो इसको आप हटा दीजिए ऐसे। तो इसको धीरे धीरे ऐसे कटआउट्स लेते जाना है बच्चों। आप ड्रॉ करके कटआउट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं हमने एक अच्छी तरह से एक शेप को काट लिया, कॉर्नर से परफेक्ट शेप काट लिया। अब इसको हम जैसे ओपन करेंगे तो एक मस्त डिज़ाइन मिल जाएगी फ्री हैंड की, और उस डिज़ाइन को एग्जैक्ट बीच में। अगर आपको बीच की आइडिया नहीं आ रही मिडल कैसे ले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल लेनी है, और स्केल और पेंसिल से आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइनिंग मिडल में बना देनी है। तो ये मिडल लाइनिंग पे इसकी मिडल लाइन एग्जैक्ट रख दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से हो जाएगा। आप इसको आप फेविकॉल से स्टिक कर दीजिए। फिर हमारे पास और एक पेपर बचा था, उसकी हम स्मॉल डिज़ाइन, ऐसे स्मॉल डिज़ाइन हम जो कटआउट्स लेंगे, आप देख रहे हैं स्मॉल डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन हम ले रहे हैं। वो सिंपल डिज़ाइन को हम यहाँ बीच में ऐसे कटआउट्स चिपका देंगे। फिर और जो टुकड़े बचे थे उसको हमने मिडल से ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको भी हम कोई भी अच्छे शेप से कटआउट लेंगे ऐसे। हमने दो टुकड़े कंबाइन लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं दो टुकड़े कंबाइन है साथ में हैं। तो दोनों टुकड़े को हम थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे भी स्टिक कर सकते हैं, या वन करना है तो वन, टू करना है तो टू, ऐसे इसको यहाँ से आपको स्टिक कर देना है। तो आप इसको स्टिक कर दीजिए। उसके बाद मिडल में एकदम अच्छी तरह से ब्लैक लाइनिंग, उसके बाद राउंड शेप लाइनिंग कीजिए। ये फ्री हैंड की काइट्स। अब बच्चों इसके बाद और अच्छी आइडिया ले रहे हैं। अब बच्चों हमने रेड पेपर लिया है, और रेड पेपर को आपको यहाँ से मेज़रमेंट लेना है, और इसका 15 का हाफ 7.5, तो इधर भी आपको 15 का हाफ लेना है, इसका भी होगा 7.5, और उसको आपको कर देना है ऐसे जॉइंट। और वापस से इधर भी आपको देखिए लाइनिंग बनाई है मैंने, और यहाँ भी आपको वापस से लेना है 15 है तो 7.5, इसमें भी 15 तो 7.5, और वापस से आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग कर देनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक प्लस बना दिया है। अब जो प्लस बनाया है तो हमने एक पिंक पेपर लिया है। अब पिंक पेपर को इसके मेजरमेंट से कटआउट करना है, तो सबसे पहले मिडल से इसको फोल्ड कर देंगे बच्चों। अब मिडल से फोल्ड करने के बाद इसका मेजरमेंट का कटआउट्स आपको लेना है। इसका मेजरमेंट का कटआउट्स आप ऐसे मेजरमेंट करना है, देखिए यहाँ से यहाँ। फिर इसको आपको ये लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, और इसको आपको कटआउट्स कर देना है। फिर इसको आप कटआउट्स ऐसे अच्छी तरह से होना चाहिए। अब इसको कटआउट्स हो जाने के बाद जैसे ही ओपन होगा तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पेपर है वो एग्जैक्ट यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर स्टिक हो जाएगा। तो हमारी इस काइट का ऐसे डायमंड शेप लेना है तो इसको हम यहाँ पे स्टिक कर दीजिए। फिर उसके अंदर और एक स्मॉल ऐसे आपको कटआउट्स करके स्टिक कर देना है, तो इसको आप यहाँ पे स्टिक कर दीजिए कटआउट्स करके। आप देख रहे हैं बेस्ट काइट बन रही है हेक्सागन डायमंड शेप पे। इसको बच्चों और भी अच्छी बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रेयॉन्स कलर की इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, ऐसे लाइनिंग कर दो चारों तरफ से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आपको लाइनिंग करनी है एकदम परफेक्ट, अच्छी तरह से स्लो और एकदम बॉर्डर टू बॉर्डर वर्क करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे ऐसे स्टिक पैटर्न, फिर इसको यहाँ पे ऐसे स्टिक कर देना है और लाइट कलर्स, उसको फिर यहाँ पे बीच में आपको स्टिक कर देना है एकदम अच्छी तरह से लेके यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दीजिए। अब इसके बाद की नेक्स्ट आइडिया हम ले रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए नेक्स्ट आइडिया के लिए। इसको ऐसे रख देना है, और आपको एक पेपर लेना है कोई भी कलर का, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है, और आपको राउंडर से यहाँ पे एक अच्छा बड़ा सा थोड़ा एक आपको राउंड ड्रॉ करना है। आप देखिए हमने उसको वन टाइम फोल्ड किया क्योंकि हमें टू राउंड इक्वल चाहिए इसलिए। फिर इसको कैंची से एकदम स्लो और अच्छी तरह से कटआउट्स करना है बच्चों। इसको कट करते वक्त ध्यान रखना है थोड़ा उंगली दूर रहे, लग न जाए आपको, और ऐसे कटआउट्स करते करते एकदम अच्छी तरह से दोनों राउंड इक्वल पर यहाँ से पकड़ के रखना है, एंड तक हिल न जाए, वरना मेजरमेंट नीचे का जो राउंड है उसका गलत हो जाएगा। ऐसे कटआउट्स ले लेना है। फिर आपको मिडल में एक लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ऐसे आपको मिडल में लाइनिंग ड्रॉ करनी है। फिर आपको राउंडर से राउंड शेप भी ड्रॉ कर लेना है।
फिर इसको दोनों को यहाँ पे आपको ऐसे स्टिक कर देना है। तो आइए स्टिक कर दीजिए इसको। उसके बाद जो ट्रायंगल शेप है उसको काट के नीचे लगा देना है एकदम स्ट्रेट अच्छी तरह से। अब बच्चों और दो स्मॉल्स आपको राउंड काटने हैं और येलो कलर्स के या फिर कोई भी और कलर्स के राउंड काट के इसके बीच में और एक चिपकाने हैं। अब काटिए इसको, आप यहाँ पे स्टिक कर दीजिए ऐसे एकदम एग्जैक्ट बीच में, फिर एक यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट बीच में इसको सर्कल पे। देखो बच्चों एक एक्स्ट्रा कार्ड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड जैसा बनाना है तो आपको कोई भी एक पेपर लेना है इक्वल, और उस पेपर को आपको यहाँ पे ऐसे आपको रखना है और उसको बीच में से फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट करते करते आपको इसका शेप काटना है ऐसे। देखिए बच्चों ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप इसके हैंड भी बना सकते हैं। जो कटआउट से उसको हल्के से निकाल दो, फिर इसको जैसे ही ओपन करोगे तो टू हैंड्स अच्छे से टू हैंड्स मिल जाएंगे और उस हैंड्स को आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है ऐसे। आप देख रहे हैं ऐसे टू हैंड्स को आपको कटआउट्स ले लेना है और इसको स्टिक कर देना है। तो एक और आपकी काइट बन गई। अब इसके बाद की जो कैप है बहुत अच्छी है, उस कैप में जोकर कैप बनने वाली है, उसका फेस आप देखते रह जाओगे। इतनी मस्त आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम ये कलर बहुत लाइट है तो मैं चाहता हूँ इस कलर को एक बॉर्डर दे दीजिए, क्रेयंस कलर की बॉर्डर दे देते हैं। अब बच्चों देख रहे हैं हमने एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे कर दी, फिर इसके मिडल में एक लाइनिंग हम कर देंगे। ये बहुत अच्छी काइट बनने वाली है जोकर की टाइप, उसकी मूछें भी बनेगी, आपको देखने की बहुत अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले हम उसके जो हेयर की पोजिशन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लैक पेपर लेंगे और हमें यहाँ से यहाँ मेज़रमेंट लेना है, ऐसा इसका ही मेज़रमेंट रहेगा पर थोड़ा अंदर से ऐसे इसका मेज़रमेंट लेते हुए ऐसे यहाँ लेना है। और आपको एक हेयर का जो इफ़ेक्ट है, आप उसके हेयर की जैसे पोजीशन रखना चाहते हो वैसे आपको इसकी पोजीशन पे आपको ड्रॉ करना है। फिर आपको ड्रॉ करने के बाद उसको मिडल से आपको ऐसे कर देना है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद आपको इसको देखिए लाइनिंग दिख रही है जो ड्रॉ की है, उसको आपको कटआउट ले लेना है शांति से। और कटआउट्स होते ही आप देखोगे कि दोनों तरफ इक्वल हेयर, यहाँ पे पेपर शाइनिंग है, यहाँ पे मैट पेपर है, तो आपको कोई भी यूज़ करना करो, इसको आप यहाँ पे स्टिक कर दीजिए ऐसे। इसके बाद हमें आइज़ बनानी है। आइज़ के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर बचे थे वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया बीच में से। बच्चों आइज़ को बनाना बहुत ईजी है, आपको ऐसे कोई भी एक दे देना है शेप। आइज़ के लिए आप देख रहे हैं कि हमें टू आइज़ मिल गई इक्वल, और इसको फिर यहाँ से ऐसे आपको स्टिक कर देना है। तो आप इसको स्टिक कर दीजिए, फिर इसमें आप यहाँ पे क्रेयॉन्स कलर की थोड़ी इफेक्ट दे सकते हैं ऐसे, देखिए अच्छी लगेगी। तो एक आइट और भी हमें अच्छी बनानी है इसलिए हम थोड़ी इफेक्ट दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ से, तो ऐसे ऊपर से भी करना है और नीचे से भी करना है। ओके बच्चों तो हम उसकी अब आइज़ बनाएंगे। तो आइज़ के लिए आपको यहाँ पे स्केच पेन यूज़ करनी है ब्लैक। तो अभी हम यहाँ पे एक प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसको मास्टर जो है उससे आपको ऐसे राउंड बनाने हैं इक्वल, दोनों राउंड मिडल्स में आपको बना देने हैं और उसके बाद आपको अंदर ब्लैक कलर से भर देना है इसको। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ब्लैक आइज़ हो गई। अब उसके नोज बनाते हैं। नोज के लिए आपको रेड पेपर लेना है और रेड पेपर का आपको एक ऐसे स्क्वायर कटआउट्स लेना है। उसके बाद इसको आपको एक रोल बनाना है ऐसे, रोल आपको एकदम ध्यान से बनना चाहिए ऐसे। फिर इसको आपको फेविकॉल से यहाँ पे स्टिक कर देना है ऐसे, और फिर उसको रोल को कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद आपको इसको ऐसे ऐसे कटआउट करना है स्ट्रेट, और फिर स्मॉल स्मॉल ऐसे कटआउट्स ले लेने हैं। उसके बाद इसको बाहर की ओर आपको फोल्ड कर देना है, देखिए ऐसे जितने भी कटआउट्स बाहर की ओर फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे एक रेख के यहाँ पे ऐसे आप एकदम अच्छी तरह से नोज़ को चिपका देना है। आप देख रहे हैं नोज़ यहाँ स्टिक हो रहा है, आप देख सकते हैं नोज़ इसका ऐसे ट्रायंगल शेप में आया है। अब इसकी लिप्स बनानी है। लिप्स के लिए पिंक पेपर लेंगे हम, और पिंक पेपर को आपको यहाँ से ऐसे शेप में एक आपको काट लेना है उसकी लिप्स के लिए, और लिप्स को फिर यहाँ से एक टाइम फोल्ड करना है, टू टाइम फोल्ड करना है। ये बहुत इजी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको लिप्स को यहाँ से शेप को ऐसे कटआउट्स ले लेना है लिप्स शेप पे, और अंदर भी ऐसे एक छोटा सा कटआउट। और बच्चों देखिए जैसे इसको ओपन होगा तो आपको एक लिप्स का जो शेप है वो मिल जाएगा ऐसे। तो इसको आपको यहाँ पे स्टिक करना है। उसके पहले हम रेड कलर की उसकी ट्रंक बनाएंगे, तो आपको ऐसे शेप में एक ऐसे कटआउट्स लेना है और उसको राउंड शेप से कटआउट्स कर देना है, ध्यान से देखिए राउंड शेप, और फिर इसको लिप्स के अंदर की साइड ऐसे स्टिक कर देना है। तो ऐसे कर दीजिए,
फिर फेविकोल लगा के इसको यहाँ पे आपको इसे स्टिक कर देना है। उसके बाद हम इसके अंदर मूछें भी बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ब्लैक पेपर लेंगे और ब्लैक पेपर को हम यहाँ से ऐसे कटआउट ले लेंगे और इक्वल मूछें चाहिए तो एक ट्रिप्स लेके उसको ऐसे बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको उसको मूछें की शेप में कटआउट्स लेना है। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कटआउट्स हो रहा है वो ध्यान से ऐसे, फिर इसको जैसे ही ओपन होगा तो आपको एक मूछ शेप का कटआउट्स मिल जाएगा और उसको वहाँ पे स्टिक कर देना है। और ऐसे कटआउट्स हो जाने के बाद अब उसके यहाँ पे जो नीचे है वो दाढ़ी के इफेक्ट देने हैं और आपको उस इफेक्ट से बनाना है। तो आपको एक पेपर लेना है वापस से और उस पेपर को आपको यहाँ से जो ट्रायंगल शेप है उसमें काटना है ऐसे, और उसके बाद उसको आपको ऐसे जो ट्रायंगल छोटे छोटे शेप आपको काटते जाना है। आप देख रहे हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में कटआउट्स लेनी है और कटआउट्स के बाद आप जिसे ओपन करेंगे तो एक दाढ़ी का शेप आपको मिल जाएगा और उसको यहाँ पे नीचे ऐसे आपको स्टिक कर देना है। आप दोनों तरफ से उसके हेयर भी बनाने हैं, तो हेयर की पोजीशन आप देखिए ध्यान से। इसको भी एक पेपर का ऐसा आपको लेना है शेप, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको राउंड शेप में कटआउट करना है और राउंड शेप में कट करने के बाद वापस से ट्रायंगल राउंड शेप में काटते जाना है आपको। आप देख रहे हैं राउंड शेप में ऐसे काटना है, एकदम परफेक्ट और स्लो काटना है और लास्ट में थोड़ा ध्यान से, और फिर वो मिडल वाले सब पार्ट्स को हटा देना है और फिर उसको ऐसे कटआउट्स ले लेना है। और बच्चों इसको यहाँ पे ऐसे और एक बार यहाँ से ऐसे एक हेयर जो उसकी है इस तरफ और एक इस तरफ, तो बच्चों देखो एक डिफरेंट काइट, एक फेस काइट बन गई है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है, उसका नोज एकदम जॉकर जैसा, ऐसी काइट्स भी बना सकते हैं। अब एक पेपर लेंगे और उसको जो दूसरा पेपर है उसको हम 4 times फोल्ड कर देंगे ऐसे, आप देख रहे हैं 4 times, और उसको फिर हमें काट देना है। तो आप इसको कैंची से धीरे धीरे काट दीजिए। आप देख रहे हैं 4 parts यहाँ कट गए हैं। अब वही 4 parts को हम इक्वल पोजिशन पर रख देंगे साथ में और इसको हम यहाँ पर रखने के बाद इसको एक यहाँ स्टिक होगा, एक पार्ट यहाँ, ऐसे हम 2 parts को स्टिक करने वाले हैं। तो इसको स्टिक कर दीजिए। उसके बाद हम ऑरेंज पेपर लिया और उसको बीच में फोल्ड कर रहे हैं हम, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम मेज़रमेंट ले रहे हैं छोटे स्क्वायर का। तो आपको यहाँ पे इतना स्मॉल स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग कर दीजिए, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग कर दीजिए, फिर वो स्क्वायर का कटआउट्स ले लीजिए। आप देख रहे हैं स्क्वायर, फिर इस स्क्वायर को यहाँ स्टिक कीजिए, फिर इसको यहाँ स्टिक कर दीजिए, ऐसे दोनों को स्टिक कर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके भी छोटा पेपर आपको लेना है रेड कलर का और उसके भी 2 छोटे स्क्वायर आपको बनाने हैं इसके अंदर स्टिक करने के लिए, छोटे से स्क्वायर। तो स्केल का मेज़रमेंट का होगा तो भी चलेगा, तो आपको यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेना है ऐसे। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया और उसके बाद ऐसे स्केल रख के यहाँ पे मेज़रमेंट लेके एक स्मॉल स्क्वायर हमने काटे रेड कलर के, उसको उसके अंदर और स्टिक करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऐसे 2 स्क्वायर काटे हैं। अब इसको बीच में से हम जैसे ये कटआउट्स करेंगे तो आपको इक्वल स्क्वायर मिल जाएंगे और उसको यहाँ पे ऐसे डायमंड शेप में आप लगा दीजिए। बच्चों जो ये डिज़ाइन स्मॉल है उसमें आपके पास जो एक्स्ट्रा पेपर बचे हुए हैं उसी को यूज़ करो तो और भी अच्छा रहेगा। जो उसके पूरा पेपर नहीं है, इसके टुकड़े बचते हैं उसको यूज़ करो। अब इसको बीच में से हमने फोल्ड किया और फोल्ड करके इसको यहाँ पे हमको स्टिक करना, इसको हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो जो दूसरा वाला जो हम काइट बना रहे हैं उसको आपको ध्यान से देखते जाना है और कभी कभी स्टिक हो सके तो आप ऐसे एंगल से भी स्टिक बना सकते हैं और अच्छा दिखाने के लिए, जैसे कि ऑरेंज ऑरेंज है तो ऑरेंज ऑरेंज पे, फिर यहाँ से क्रॉस, फिर यहाँ से क्रॉस, इस एंगल से स्टिक बना सकते हैं। थोड़ा आपको बनाना है फैट। आप देख रहे हैं हमने और एक काइट बना दी। अब इसके बाद हम और एक काइट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब और एक जो काइट सीख रहे हैं उसको आपको सबसे पहले ऐसे आपको फोल्ड करना है, इस पेपर को 4 times फोल्ड करना है आपको ऐसे। तो हमने इसको 4 times ऐसे फोल्ड कर दिया और एक बार फोल्ड। आप देख रहे हैं एक काइट हम थोड़ा डिज़ाइन में बनाने वाले हैं। तो आपको अभी राउंडर लेना है और आपको राउंडर में आपको डालनी है पेंसिल, पेंसिल से आपको एक राउंड बनाना है। आप दोनों पॉइंट को इक्वल रखिए, फिर ऐसे, फिर आपको मिडल में रख के आपको एक जितना हो सके उतना बड़ा राउंड बना देना है। आप देख रहे हैं और ये मिडल है और मिडल से
आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप देना है और फिर ऐसे डिज़ाइन, और फिर उसी डिज़ाइन को आपको काटना है ध्यान से, ऐसे धीरे धीरे आपको कटआउट्स ले लेना है इसको। फिर उसके बाद कटआउट्स के बाद यहाँ से कटआउट्स अंदर की ओर, फिर यहाँ से अंदर की ओर कटआउट्स एकदम ध्यान से। फिर एक को इसको खास ऐसे ढंग से पकड़ के रखना है जिससे वो हिल ना जाए, वरना आपकी जितने भी कटआउट्स है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे कटआउट्स हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले एक लाइनिंग कर देनी है ऐसे, और लाइनिंग के बाद आपको उसका जो राउंड शेप है वो बना देना है ऐसे। तो सबसे पहले राउंड शेप आप बना दीजिए। अब जो इक्वल डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को आपको आपको यहाँ पे चिपकाना है। उसका जो रखने की वो है पोजीशन आप देख लीजिए, इसको एक बार यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे रखा, ऐसे रखो, या फिर उसकी पोजीशन आप चेंज करके भी रख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी तो चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे हाफ़ कर देना है, मतलब यहाँ से प्लस कर देना है, बीच में से यहाँ पे प्लस कर देना है, और फिर वो प्लस की पोजीशन है वहाँ पे भी आपको रखना है ऐसे, फोर पोजीशन पे तो आप रख सकते हैं इस साइड को। तो ऐसे आपको इसको स्टिक कर सकते हैं, वो आपकी एंगल से आपको डिसाइड करना है कि कौन से एंगल से आपको चिपकाना है। आप देख रहे हैं मैंने ऐसे एंगल से स्टिक किया इसको, तो आपको भी ऐसे कोई भी एंगल से स्टिक कर सकते हैं।